ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर की थाना मंडी पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। लाखों की नकदी और आभूषण बरामद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर डॉक्टर एस शून्य चनप्पा के निर्देशन में कोतवाली मंडी पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आपको बता दें कि बीते 28 दिसंबर की रात्रि को कायस्थान स्थित ज्वेलर्स की दुकान का शटर फाड़कर चोरों ने लाखों की नकदी और सोने चांदी के आभूषणों को चोरी कर लिया था। इसी घटना के अनावरण के लिए एसएसपी सहारनपुर द्वारा टीम गठित की गई थी, जिसके द्वारा दो अभियुक्तों को हनुमान चौक शुक्लापुरी से 1.25 किलो पीली धातु चांदी, 100 ग्राम सोने के टुकड़े, 1,00,000 रुपए नकद, मोटरसाइकिल तथा अन्य सामग्री बरामद कर गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने कई दुकानों के शटर उखाड़कर चोरी की है। देखिए, ये 28 दिसंबर 2000 की रात्रि की घटना है और ये सनसनीखेज घटना थी, पुलिस के लिए चैलेंज था। एक व्यक्ति जो सुनार का कार्य करता था, रिपेयरिंग का काम करता था, पुराने आभूषणों का, गोल्ड को गलाता था, चांदी को गलाता था, उसके प्रतिष्ठान पर रात्रि में किसी समय देर रात कुछ लोगों ने पहुंच के शटर को फाड़ के कुछ सामान अंदर से निकाल लिया था। पुलिस इसमें कई एंगल्स पर तलाश कर रही थी। सीसीटीवी भी इन लोगों के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया था, बिल्कुल ब्लाइंड केस था। पुलिस ने इसको हमारी पुलिस ने वर्कआउट करते हुए हमारी जो सरलांस सेल एसओजी है और साथ में थाना मंडी, इन तीनों के संयुक्त प्रयास से इस गैंग का पर्दाफाश हुआ है। दोनों व्यक्ति जो इस घटना में शामिल थे वो गिरफ्तार हुए हैं। माल बरामद हुआ है, 1,00,000 रुपये नकद बरामद हुआ है और विवेचना के बाद में इन सभी के विरुद्ध, देखिए जो बरामदगी हुई है वो लगभग 100 ग्राम सोना बताया जा रहा है, पीले रंग की धातु है, और लगभग 1.25 किलो चांदी, जो चांदी के रंग की धातु है। इसका परीक्षण करवा के ही जानकारी हो पाएगी कि इनकी वास्तविक जो मूल्य है वो कितना है, लेकिन इस प्रकार से बरामदगी हुई है।